हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट गुरु सोनी। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 9 में हम इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई एक चीज है जो दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देगी, उसको हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। सपोज कीजिए एक कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट्स है, मतलब जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से बना है, राइट? और एक दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, इसमें से किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह बैठ जाएगा और उसको अलग कर देगा। देखिए रिएक्शन, देखिए ये हमारे पास ए भी एक कंपाउंड है और सी हमारे पास एक एलिमेंट है, तो सी ने क्या किया, खुद बी की जगह जाके बैठ गया और बी को सेपरेट आउट कर दिया। इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे ये डांस पार्टनर है और ये अलग से एक पार्टनर है, लेकिन ए और बी पार्टनर की जम नहीं रही है, तो ए ने क्या किया, सी को अपना पार्टनर बना लिया और बी को अलग कर दिया। होप आपको इससे ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसमें ऐसा क्यों होता है, देखिए तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा डांस पार्टनर वाला, तो याद रखने के पर्पज से इसमें होता क्या है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, राइट? तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। कोई भी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर लेगा। लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ देखिए, ये मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अगर मैं जिंक की स्ट्रिप ली, जिंक की एक मैंने पत्ती ली और उसको मैंने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने डीप करा, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये जो दिख रही है जिंक स्ट्रिप है, अगर मैं इसको इसमें डीप करती हूँ, राइट, तो हमें पता है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो वो इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा और खुद कॉपर की जगह चल जाएगा, और कॉपर सल्फेट की जगह कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट, कौन सा कर देगा, जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर इसने अलग किया है वो जिंक स्ट्रिप पे जो रेड रेड ब्राउन कलर का कॉपर जम जाएगा। देखिए रिएक्शन, देखिए जब कॉपर सल्फेट में मैं जिंक की स्ट्रिप को डालती हूँ तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक खुद इसकी जगह आ जाएगा, कॉपर को अलग कर दिया और जिंक ने बना दिया जिंक सल्फेट। तो जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया, क्यों, क्योंकि जो जिंक सल्फेट होता है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो उसका ब्लू कलर तो हट गया और सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। और जो हमारा कॉपर होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, तांबा आपने देखा है, तांबे के लोटे वगैरह आते हैं ना, तो वो रेड ब्राउन कलर का होता है, राइट? तो ये जो जिंक की स्ट्रिप है इसके ऊपर राइट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मेरे पास यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है अभी हमने देखा। अगर मैं इसमें मैग्नीशियम के वायर को डीप करती हूँ, यहाँ जिंक स्ट्रिप को डीप कर रहे थे, यहाँ मैंने मैग्नीशियम के वायर को डीप किया है, तो सेम केस यहाँ होगा, जैसे जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसी वे में जो हमारा मैग्नीशियम है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर देगा। और जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है और कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तो अभी कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया और इसमें से भी हमारा कॉपर
कॉपर। अभी कॉपर कहाँ डिपोजिट होगा हमारा? ऑब्वियसली बात है लेड मेटल के ऊपर, और जो सॉल्यूशन पहले ग्रीन कलर का था अब लेड क्लोराइड बनने से सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया है। नेक्स्ट है कि सिल्वर नाइट्रेट, मैंने क्या लिया है सिल्वर नाइट्रेट जो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, अगर हम इसमें कॉपर ऐड करो, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमने सारे कॉपर सॉल्यूशन लिए थे, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और जनरली जो मैग्नीशियम जिंक या फिर आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहे थे, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक आयरन ये सब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जो हमारे यहाँ कॉपर है ना वो इस सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और सिल्वर को सेपरेट आउट कर देगा और हमारे पास क्या सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। तो ये जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और जब कॉपर जो है सिल्वर को रिप्लेस करेगा सिल्वर नाइट्रेट में, तो यहाँ पे ये जो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म होगा ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, कलरलेस टू ब्लू सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास सिल्वर फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर यानी चांदी जो है वो इस कॉपर के ऊपर जम जाएगी, राइट। अभी आप देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आयरन। अब यहाँ पे आयरन को मैं इसके साथ रिएक्ट कर रही हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और यहाँ पे जो मैंने आयरन लिया है वो जनरली चूरे की फॉर्म में लिया है, आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में, जो आयरन का बुरादा होता है ना बारीक बारीक कचरा उसकी फॉर्म में लिया है। अगर मैं उसको रिएक्ट करूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है क्या है सॉरी जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट कर देगा और सॉल्यूशन क्या फॉर्म करेगा, आयरन टू क्लोराइड भी बोलते हैं इसे, या फिर हम लोग फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है, या तो आप इसे आयरन टू क्लोराइड बोल दीजिए या फिर फेरस क्लोराइड बोल दीजिए, और हमारे यहाँ हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी उसमें हमने देखा कि कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, अगर जो दूसरा एलिमेंट है वो कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो उसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो आयरन ने खुद कॉपर सल्फेट में जगह ले ली और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को सेपरेट आउट कर दिया। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम या जिंक या फिर जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, तो वो हमेशा कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं, वही जो हमारा कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था सिल्वर नाइट्रेट का,